हेलो दोस्तों, मैं शुभम आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हमारी वर्गमूल की क्लास होगी दूसरी। तो क्वेश्चन है हमारा 53, 1/√9 − √8। अब ऐसे क्वेश्चन को दोस्तों नीचे का विपरीत चिन्ह से मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे के विपरीत चिन्ह से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/√9 − √8 मल्टीप्लाई √9 + √8 अपॉन में √9 + √8। अब जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 √9 की √9 में करेंगे दोस्तों तो 9, और √8 की √8 में करेंगे तो 8, और ऊपर क्या बचेगा दोस्तों √9 + √8। अब इसे बाहर निकाल लेंगे तो 3 + √2 8 को निकाल लेंगे और नीचे बचेगा 1। तो आंसर होगा दोस्तों हमारा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 54, √a + √b = 17 एंड √a − √b = 1। तो √√ab का मान क्या होगा? ये है दोस्तों 4 × √ab = 1। √a + √b² − √a − √b². अब मेरे पास वैल्यू है √a + √b की, तो स्क्वायर कर दे दोस्तों। अब वैल्यू है √a − √b की तो -1। अब 17 का वो स्क्वायर करेंगे हम 289 और 1 का स्क्वायर करेंगे 1। अब 288 और ये जो √ab के मल्टीप्लाई में 4 है ये बटे में चला जाएगा और इसे काटेंगे हम दोस्तों 72 बार कट जाएगा और हमें बतानी थी वैल्यू √ab की। ठीक है दोस्तों, तो सी ऑप्शन होगा इसका हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, √b = 4a तो a² / b का क्या मान होगा? तो दोस्तों अब हम इसे यहाँ पर लेकर जाएंगे a को, तो 1/4² = a² / √b। अब स्क्वायर कर लेंगे दोनों साइड का तो रूट, इससे रूट से स्क्वायर से कट जाएगा एक रूट, तो क्या बचेगा दोस्तों a² / b और इसका स्क्वायर हो जाएगा 1/16। तो दोस्तों सी ऑप्शन होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है √0.05 × a = 0.05 × √b तो a/b का मान क्या होगा? तो दोस्तों जब हम इसे बटे में लेकर जाएंगे, इसे यहाँ पर बटे में लेकर जाएंगे और ये इसके बटे में चला जाएगा, तो √a/√b = 0.05 × 0.5 × 0.5 का स्क्वायर। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे तो एक स्क्वायर से ये कट गया और ये कट गया दोस्तों जब हम इनकी स्क्वायर करेंगे। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 बार मल्टीप्लाई, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 बार मल्टीप्लाई, इसके स्क्वायर से रूट कट गया, अब नीचे से ये कट गया। अब 5 बजे 25, 2 पॉइंट इसके 1 के गुणा में दोस्तों पॉइंट जुड़ जाते हैं तो 0.25 कितने हो जाएंगे पॉइंट, 3 पॉइंटों पे पॉइंट लग जाएगा, 3 अंकों पे सॉरी। ठीक है दोस्तों, अब 59वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1/√9 − √8 − 1/√8 − √7 + 1/√7 − √6 − √5 + 1/√5 − √4। ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों एक सीरीज में अगर चले हुए हैं प्लस माइनस के सीरीज में और रूट में है, तो सबसे पहले हम लेंगे दोस्तों √9 दोस्तों सबसे पहली संख्या और सबसे बाद की संख्या, और ये वाला चिन्ह लेंगे बाद वाला प्लस √4, ये बाहर निकालेंगे तो दोस्तों 3 और 2 = 5 आंसर होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 7 + 2 × √10 का वर्गमूल क्या है? अब ऐसे क्वेश्चन को दोस्तों जैसे हमें यहाँ पे क्या चाहिए मल्टीप्लाई में √10 चाहिए। अब √10 कैसे आएगा? अब 5/√2 तो दोस्तों आ जाएगा, तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए a + b। अब 5 + 2
5 प्लस 2 करेंगे तो दोस्तों ऑप्शन में वर्गमूल निकल का आएगा इनका, तो सी ए ऑप्शन होगा आंसर। अब इसका अगर हम देखेंगे 5 प्लस 2 इसका स्क्वायर करेंगे प्लस 2 इंटू रूट 5 गुणा रूट 2, दोस्तों यही आ रहेगा का वर्गमूल ए ऑप्शन होगा। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों एक्स स्टार वाई स्टार जेड बराबर एक्स प्लस 2 इंटू वाई प्लस 3 अपॉन में जेड प्लस 1 का अंडर रूट, तो 6 स्टार 15 स्टार 3 का मान क्या होगा? तो दोस्तों एक्स का मान 6 और 2 8, अब वाई का मान दोस्तों कितना होगा 15 3 18 और 3 जेड का मान 3 4 अंडर रूट 18 144 अपॉन में 4 अंडर रूट 12 अपॉन में 2, तो दोस्तों आंसर आया 6। नेक्स्ट इसका ऑप्शन में 6 नहीं है तो दोस्तों डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह छोटी है छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो तथा 10 12 15 18 से प्रत्येक से पूर्ण विभक्त हो वह कौन सी होगी? तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में 10 12 15 18 का एलसीएम ज्ञात करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे तो दोस्तों एलसीएम आएगा 180। बड़ी से बड़ी संख्या का मल्टीपल करते जाना है, जब तक पूर्ण रूप से संख्या से नहीं कटते तो वही हमारा आंसर होगा, एलसीएम होगा। अब दोस्तों ऑप्शन में 180 नहीं है तो 180 के मल्टीपल करेंगे तो 360 क्या एक पूर्ण वर्ग है? नहीं। अब ये तो मल्टीपल में होता ही नहीं 400, तो अब 918 का मल्टीपल है 180 का, बिल्कुल है, और वर्गमूल भी है किसका? 30 का वर्गमूल भी है, तो दोस्तों सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1470 को किस छोटे छोटी संख्या से भाग दिया जाए कि इस प्रकार प्राप्त संख्या भागफल एक पूर्ण वर्ग हो? तो दोस्तों 1470 का हम एलसीएम निकाल लेंगे जब, तो इसमें जब पेयर नहीं बनेंगे तो वो संख्या बाहर निकल जाएगी, तो इसमें आएगा दोस्तों डी ऑप्शन 30 एक ऐसी संख्या है, अगर हम इसमें से भाग कर दे 30 से तो दोस्तों क्या हो जाएगा वो एक पूर्ण वर्ग हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 5 अंकों की वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जो एक पूर्ण वर्ग हो? अब 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या कौन सी होती है? 9999। अब इसे हम जब दोस्तों इसका वो निकाल लेंगे पूर्ण वर्ग, तो आंसर आ जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन 99856। ये तो दोस्तों निकाल लोगे आप। और 78 क्वेश्चन है, छात्रों के एक समूह में प्रत्येक छात्र से उतने ही पैसे लिए गए हैं जितने इस समूह में छात्र थे। तो दोस्तों जितने अगर पेयर बनाने हैं तो उसमें दोस्तों हमेशा क्या निकालते हैं? वर्गमूल निकालते हैं। यदि कुल धन 59.29 रुपए इकट्ठे हुए हो, दोस्तों यहाँ से पैसे की बात करी गई है और यहाँ से रुपए की बात की गई है, तो अब मैं इसे अगर 59.29 रुपए को मैं इसमें पैसों में कन्वर्ट करूँ तो दोस्तों 100 से मल्टीप्लाई 20 से 2 ये पॉइंट खत्म हो जाएंगे, तो 59.29 का वर्गमूल निकाल लेंगे तो क्या आएगा दोस्तों? 77 आ जाएगा। 77 पैसे, तो समूह में कितने छात्र थे? 77 छात्र थे। और 79 क्वेश्चन है दोस्तों, अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12, अगर ऐसे सीरीज चल रही है तो दोस्तों ऐसे हमें पेयर बनाने हैं, फैक्टर करने हैं। अब 12 के फैक्टर 4 थे 12, फैक्टर ऐसे करने हैं दोस्तों जिसके अंतर केवल एक हो। अब ऐसे क्वेश्चन में अगर प्लस है, प्लस में दोस्तों बड़ी संख्या होगी आंसर, अगर माइनस है तो आंसर होगा दोस्तों छोटी संख्या, तो आंसर होगा इसका 4। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, x बराबर अंडर रूट 3 प्लस रूट 3 प्लस रूट 3। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में एक सीरीज चली हुई है और तो इसमें क्या करना है, हमें से 3 से छोटा लेना है, तो 2 से बड़ा और 3 से छोटा। ठीक है दोस्तों, ए ऑप्शन होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 का घनमूल निकालना। अब जैसे दोस्तों हम इसमें वर्गमूल में दो अंकों का एक अंक पर पॉइंट लगा था, अब इसमें 3 अंकों का एक पर लगता है, क्योंकि दोस्तों अगर हम इसका घन निकालना है तो 2 का घन निकालना है तो 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 अंकों की मल्टीप्लाई करके तब निकलता है, तो 3 अंकों का पॉइंट, अब 6 अंकों का पॉइंट है तो 2 पे लग जाएगा, तो पॉइंट बी ऑप्शन होगा दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा 85, ये
अंडर रूट 00064। अब इसका 2 2 4 2 6 अंकों पे है तो दोस्तों तीन अंकों पे हो जाएगा, तीन अंकों पे क्या हो जाएगा ये। अब इसका क्यों घनमूल निकाल लेंगे हम दोस्तों, अब इसका घनमूल निकाल लेंगे तो क्या आएगा हमारा एक अंक का पॉइंट आ जाएगा बी ऑप्शन पॉइंट टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसका घनमूल निकालना है चार सही 12/125। अब इसे सिंपल फॉर्म में लिखेंगे 512/125। अब का घनमूल निकाल लेंगे तो 8/5। अब कौन सा हो रहा है दोस्तों, ए ऑप्शन 5 × 5 और 5 × 3 = 8। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 74, 68, 41, 60 में छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़ी जाए कि योगफल एक पूर्ण वर्ग हो जाए। अब दोस्तों अगर इस क्वेश्चन में हम 4 जोड़ते तो ये एक पूर्ण वर्ग हो जाएगी। ऐसे को 74, 68, 41, 60 में आप ऐसे भी कर सकते हो दोस्तों, ऐसे निकाल कर देख लेना क्या जोड़ना पड़ेगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, 676 का स्क्वायर = 456, 976 तो 45.69 का क्या मान होगा। अब दोस्तों यहाँ से कितने अंकों पे पॉइंट लगा हुआ है, 4 अंकों पे, तो इधर कितने पे लग जाएगा 2 अंकों पे, तो डी ऑप्शन होगा हमारा। तो दोस्तों ये थी हमारी घन की क्लास, अगर हमारी क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।